ये है बिडई जो हमने बिडई मदन हलवाई पे खाई थी उसके अंदर में बेसन की पिट्टी थी, यहाँ पे उरद दाल की पिट्टी डाल रहे हैं और आटा वही जो मोटा पीसा आता है वही है, बिल्कुल कड़क खस्ता। इस सब्जी में एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा है, आलू की सब्जी है और सबसे ख़ास बात ये सब्जी जो है वो बिना प्याज और लहसुन के। हींग का जायका है, उसकी फिलिंग है, उसमें बहुत सारे मसाले हैं जिसमें हींग मेन है। बहुत खास बात कि कोई भी आपसे पहले पैसे नहीं ले, कोई टोकन नहीं कटवाने हैं, कुछ नहीं करना है, आप पहले खाइए, जितना खाना उतना खाइए, उसके बाद पैसे। तो सब छोटे शहरों में लोग इस को जानते हैं और रोज जाके खाते हैं, वहाँ पे एक रिश्ता बन जाता है दुकानदार के साथ। और ऐसे बड़ी बड़ी चेन्स हैं, QSRs हैं, आउटलेट्स हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, पहले कूपन कटवाओ फिर जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका दुकानदार से कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन छोटे शहरों में जो भी ऐसी दुकानें होती हैं वहाँ पे आपका एक रिश्ता बन जाता है। वो आप यहाँ पे बचपन से आ रहे होंगे तो आपको जानता होगा शक्ल से कि अमन आ गया। तो ये भी एक अलग अंदाज में मुरैना में सर्व किया जाता है। ऐसे तो ज़्यादातर बाटियाँ सेक के बनाते हैं, ये तली हुई है और ड्राई फ्रूट स्टफ्ड है, साथ में पनीर वगैरह भी है। और जो आलू की सब्जी बनाई गई है ये दम आलू की सूखी सब्जी है, सूखी सब्जी, और अगेन ये भी बिना प्याज बिना लहसुन। देखिए आप भीड़ देखें, ऐसा लग रहा है ऐसे मेला लगा हुआ है, नॉन स्टॉप लोग आए जा रहे हैं। मुरैना को हम लोग कह सकते हैं नाश्ते का शहर। बिल्कुल है, शहर है जहाँ सूरज डूबने तक लोग नाश्ता ही करते हैं। और नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, नाश्ता मतलब स्नैक्स, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो समोसा हो, कचौड़ी हो, पोहा हो, बाटी हो, जलेबी हो, पूरी सब्जी हो, बिडई हो, कुछ भी हो, चाहे वो मिठाई क्यों ना हो, वो भी नाश्ते में काउंट किया जाता है। सेब वो भी नाश्ता है। अब चलते हैं इनकी मिठाई की दुकान पे और आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा सोन पापड़ी की तरफ, इतनी स्वाद सोन पापड़ी आपने कभी नहीं खाई। चीनी हलवाई पे, चीनी हलवाई, चलिए। तो यहाँ पे बनाई जा रही है सोन पापड़ी, ये सोन पापड़ी का घोल है जिसमें मैदा, बेसन, घी और हल्दी होती है, उसके बाद वो चाशनी बना रहे हैं। ये कौन सी ले लो जगह, इसका छोटी है, ये सिर्फ चीनी है, सिर्फ चीनी है। तो गरम गरम में ही काटनी पड़ती होगी, ठंडी हो गई तो फिर जय। देखो बड़ी मेहनत वाला काम है, ताकत लगती है इसमें। ये लच्छा बना रहे हैं, जो घोल है वो इसमें लिपटता चला जा रहा है। हाँ सोन पपड़ी, लच्छे देखो कैसे लच्छे बन रहे हैं।
भाई साहब हैं जल अच्छा तो बहुत लंबा बन रहा है, ज़्यादा ही लंबा बन रहा लंबा बन रहा ये कितना लच्छा बनता जाएगा ऐसे है? सूख जाएगा पूरा? अच्छा पूरा लपट जाएगा ये जी। पूरा सोख लिया इसने है? हाँ ये देखो जाली बन रही है। अब ये तैयार हो गया, अब इसको थाल में रखेंगे। स्टील की ट्रे में अब इसको बेल रहे हैं। और उसके बाद फिर इसकी कटिंग होगी है, बिल्कुल जालीदार लच्छे के साथ। ये ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, चिरौंजी और पिस्ता। क्यों नाम का है? माओ नाम मंत्र रंडोतिया। जय बात हुई लल्ला। मिठाई पसंद है लल्ला को? हैं? कौन सी मिठाई पसंद है? काजू बर्फी। काजू बर्फी, जय काजू कलश बन रही है। हाँ लल्ला बारी बारी काजू बर्फी लल्ला नो खिलाओ एक पीस तो। अरे तो पसंद की चीज़ तो ऐसी खाई। हाँ एक बार लल्ला सीधे मुंह में मजा आ गया हो है? वाह मजा करो आप भी लो, या तुम भी लो। थैंक यू सर। मैं भी ले लेता हूँ। सोन पापड़ी दो सर। हैं? सोन पापड़ी। हाँ दो, इसमें अलग अलग परत है। परत है पापड़ी जो बोलते हैं ना, सोन पापड़ी। हाँ ये देखिए ये इसकी अंदर वाली परत को खाया जाए। चबाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप मेल्ट हो रही है। मुँह में जाकर घुल सी गई, क्या बात है। यही तो कलाकारी है चीनी हलवाई की है। बहुत बढ़िया देसी घी में बना हुआ। इतनी पतली भी आप क्लियर निकाल। बहुत शानदार। मुझे लगता है कि बेसन से तैयार होती है सिर्फ, ये तो मैदे में मिलता है इसमें। थोड़ा डलता है लेकिन मैदा ज़्यादा मात्रा में होती है। और तो हल्दी का भी टेस्ट आ रहा है, हैं? हल्दी तो कलर के लिए डाली है। दिवाली का त्यौहार है, डिब्बे एक्सचेंज करें। एक डिब्बा यहाँ से लें, एक डिब्बा उसको दें, उसको दें, फिर उसका डिब्बा खुद लें, फिर वो किसी और को दें। मतलब ये जो चेन चलती है सोन पापड़ी की, चलती रहनी चाहिए, रुके नहीं है। सबसे ज़्यादा यही चलते हैं डिब्बों में लोग, जैसे घर में त्यौहारों में दोस्तों को रिश्तेदारों को सब जगह देते हैं ये। और लोग घबराते हैं आजकल तो कि भाई सोन पापड़ी ना आ जाए डिब्बे में। कितनी ये सोन पापड़ी जिसके डिब्बे में आएगी बहुत खुश वो खुश होगा। चलो जी धन्यवाद। जय श्री राम। सर तो बस आपके दुकान के बारे में थोड़ी जानकारी, कब से है ये? 1984। और क्या विशेषता है आपके मिठाइयों की? ये मिठाई की पहली विशेषता तो ये है कि हम लोग क्वालिटी से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो गिवन टेक 84 से था वो अब वही चलाया रहा है, और अपने शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ हैं। और इस शॉप का नाम चीनी हलवाई क्यों पड़ा? ऐसे बाबू जी कहता, हमारे बाबू जी 8 साल की उम्र के थे जब से उनको इस काम का या खाने पीने का बहुत शौक था, तो वो शक्कर ज़्यादा खाते थे। जैसे शक्कर होता किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होता, उनको बाबू जी शक्कर खाने का बहुत शौक था। और फिर उन्होंने शक्कर खाते थे ऑलरेडी, प्लस उन्होंने मिठाई का काम किया या स्वीट का काम किया,
उसलिए हमको ना चीनी चीनी शक्कर को हिंदी में चीनी कहा जाता है। तो चीनी खाने के चक्कर में और मिठाई के काम को व्यापक चीनी चीनी के संदर्भ में चीनी इनको नाम हो गया। कई लोग हालांकि क्योंकि चीन से आए तो मैं कहें चीन से नहीं आए, ये निकले हमें बाबूजी का हमारे का। वैसे बाबूजी का श्री कृष्ण लाल जी मंगल है बाबूजी का नाम। वाह, चलिए हमको जो चीज़ पसंद थी उसका उन्होंने काम किया और आज मुरैना में नाम है बहुत मिठाइयों का। और ये सबसे अच्छी बात है, अगर कोई भी दुकानदार अपनी वर्कशॉप पर ले जा रहा है और दिखा रहा है कैसे काम हो रहा है, मतलब पारदर्शिता है और काम अच्छे से हो रहा है, अच्छे मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, तभी वो ले आता है। ये देखिए, ये दीपावली की गुजिया है। ये खोया और ड्राई फ्रूट्स हैं और खूब सारे चिरौंजी दिख रही है सर। मतलब ये सूखी है, चाशनी में डुबाया नहीं जाता इसको। ये ज़्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि तो इसमें खस्तापन रहता है। कितने अच्छे से फ्राई हुई है। हाँ, ये रहा हमारा चूरमे का लड्डू, ऊपर में पिस्ता और ये है आपका मोतीचूर का लड्डू। तो पहले चूरमे का लड्डू ट्राई करते हैं, कितना सॉफ्ट है। जो इलायची का बहुत उमदा जायका, साथ में बिल्कुल एक दरदरापन है इसमें। हाँ, मोतीचूर का लड्डू, हालांकि ये पूरा एक बार में ही खाने में मज़ा आता है लेकिन इतना मीठा हो चुका है। इसमें क्या गुलाब डाला हुआ है क्या? इसमें रोज वाटर शायद, लेकिन ये बूंदी बहुत छोटी है, बहुत बारीक है, बहुत बारीक। ये मूंग दाल की बर्फ़ी, ऊपर में चांदी की वर्क और साथ में पिस्ता बादाम। इसके साथ आपको सेब खाने में मज़ा आएगा। हैं बता रहा हूँ, यहाँ की मुरैना की लोकल जो नमकीन है वो तो सेब और मूँगफली है, हर दुकान पे देसी घी बनी हुई। मुरैना से लोग जानते हैं गजक के लिए, लेकिन यहाँ पे जो वैरायटी है मिठाइयों की वो अनगिनत है। हैं, आपको लड्डू पसंद है, खाइए खाइए। चीनी हलवाई के गुण गाइए, और नाम कितना अच्छा लगता है, चीनी हलवाई। चीनी हलवाई, नाम में मिठास है, नाम में मिठास है, क्या मान। आओ मंत्र, एक बार में खाना था। जय बात। और मंत्र का YouTube चैनल है, उसका नाम है मंत्र मल्टीपल, और ये गेमिंग की वीडियो बनाते हैं, इतने छोटे हैं लेकिन कलाकार हैं। ठीक है भैया, हैप्पी दिवाली, थैंक यू। चलिए, आपको कहां कहां से ढूंढ के आ रहे हैं? ये छोले, छोले ये सब मसाला डालते हैं, टेस्टी नमक, मिर्ची वाला गरम मसाला, ये हरी वाली चटनी, इसमें सलाद डालते हैं, प्याज टमाटर, प्याज टमाटर अदरक, नींबू डालते हैं। लल्लू चाट केटर्स के नाम से अपना ठेला है, एक ये लगता है, एक अपना सदर बाजार में लगता है, चीले डोसे का पुराना काम है अपना, 40-42 साल पुराना काम। और ये सिर्फ शाम शाम में लगाते हैं? नहीं, हम लगाते हैं 2 बजे से गोपीनाथ की पुलिया पे, उसके बाद बाजार में लगाते हैं 7 बजे से। क्या बात, इसी का बाजार में जाएगा, बाजार में जाकर लगेगा। अब इस टिक्की के बारे में बताइए, ये जो भल्ला है, हाँ जी, ये आलू का भल्ला है, इसके अंदर में क्या डालते हैं? इसके अंदर चने की दाल, अदरक वगैरह सब कुछ लगता है, वहाँ से मसाला लगता है, फिर वो यहाँ पर आता है सर्व करने के लिए, फिर यहाँ पर सिकता है घी में, उसके बाद आपको सर्व करते हैं, उसके बाद फिर छोले चटनी सलाद सारी चीज़ें डलती हैं। तो ये है क्या, क्रंची बन के लिए थोड़ा अरारोट भी लगता है। अच्छा, और लल्लो का मतलब क्या होता है? लल्लो पिताजी का नाम है। अच्छा,
उनके नाम पे शॉप है, उनके नाम पे है, बहुत पुराना काम है, पूरा मुरैना जानता है। जिसे हम पूरे हिंदुस्तान में आलू की टिक्की के नाम से जानते हैं, वो ब्रज की तरफ मुरैना की तरफ भी आप आएँ तो यहाँ पे भल्ला बोला जाता है। अगर आप आगरा जाएंगे वहीं भल्ले बोलते हैं इसको। भयंकर खस्ता, बिल्कुल क्रिस्प और चटपटा, मसालेदार चटनी, जो मीठी वाली चटनी है अच्छा, उसमें अमचूर का स्वाद आ रहा है। और यहाँ भी सर ये घी में सिकी हुई है, तो आपने अब तक जितनी चीज़ें मुरैना में देखी हैं हर चीज़ में सर घी का इस्तेमाल देखा है। बहुत शानदार है भैया, मज़ा आ गया। संजय चाट भंडार, यहाँ पे सर हम खाएंगे करेला। ये वो करेला नहीं है जो कड़वा होता है, ये मछली वाला करेला है, जैसे उसकी शेप करेले जैसे। ये मुझे याद आ रहा है हमने ग्वालियर में भी खाया जी, था जी, ग्वालियर में भी खाया। एक तरह से पापड़ी है, पापड़ी है, मटरी है उसको बोलते हैं, बस उसका शेप करेले जैसा है और उसकी चाट बना के हम सर एक करेला बना दीजिए जी। एक करेला है, पापड़ी, पापड़ी है, करेला ही बोलते हैं, करेला का आलू, उबले हुए आलू। ये क्या है? जीरा, भुना जीरा, ये काला नमक, काला नमक, स्पाइसी थोड़ा मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ये सॉल्ट, मीठा, अमचूर की चटनी जी बिल्कुल, ये हल्का सा दही, ये गई दही, थोड़ा भुना जीरा, और ये तैयार हो गई करेला चाट। खट्टी मीठी, भुना जीरे का बहुत अच्छा स्वाद। हाँ, ये शाम का नाश्ता है मुरैना का। इतना गुस्से में क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है? नो 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 नो, बिना औरन के सुनता नहीं है। अब यहाँ की आदत है कि खाली रोड होगी ना, कभी औरन में जाके जाएगा, ये आदत है। खाली सड़क पे भी, खाली सड़क पे औरन में अब कोई नहीं है, यहाँ आप देख लो, लेकिन तो भी औरन में जाएगा। मतलब उससे क्या होता है? ईगो। अच्छा, सड़क हमारी है वो वाली बात, ईगो उनका कमजोर हो जाएगा, नहीं औरन नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया चाट बनाई उन्होंने, चाट तो फेमस, टिक्की की फेमस है। हाँ, टिक्की चाट तो फेमस है, टिक्की चाट, ये तो करेला बहुत खाके देखना, बहुत अच्छी। अच्छा, गोलगप्पे, गोलगप्पे मुरैना में गोलगप्पे टिक्की बन जाती है और टिक्की भल्ला बन जाता है। नहीं नहीं, वो आलू टिक्की होती है वो भल्ला बन जाता है। हाँ, जो आलू टिक्की होती है ना वो भल्ला बन जाता है। वो आलू टिक्की है हमारे चौराहे पे लगा हुआ, लल्लू चाट के खाया हमने, लल्लू चाट का। हाँ, भल्ला खाया उसका, मस्त भल्ला, बहुत बढ़िया। उन्होंने बताई है इस दुकान के बारे में, लल्लू भल्ले वाले ने, कि करे, हाँ कि संजय पर जाके करेला खाना करेला, और आप टिक्की चेक करके हैं, टिक्की टेस्ट करके, वाह टिक्की वो टेस्ट करो उसकी, बोल के एक काम करो, आप एक दही वाला खिला दो हमें, दही वाला पानी टिक्की, दही वाली टिक्की, तो इतना कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, टिक्की भल्ला पापड़ी, ये गुजिया, वो गुजिया, हाँ ये पानी की टिक्की हो गई, ये आपकी मीठी वाली दही वाली, ये अपनी पापड़ी हो गई। हाँ, तो मीठी वाली खिलाइए, मीठी वाली। हाँ, ये चटनी अमचूर वाली, सॉन्ट, आपने दही वाली बोली ना, हल्का हल्का दही डाल दो, वाह क्या बात, इसको क्या बोलते हैं? ये मीठी टिक्की, मीठी टिक्की, ये जो यहाँ की टिक्की है ये ओवल शेप्ड है। आइए सर, जायका लिया जाए मीठी टिक्की का। बहुत ही उमदा मैडम, ये शेप भी बस मीठी वाली खा ली। ये मुझे ऐसी जो क्या आपने ऐसा कुछ नहीं कि मसाले बहुत तेज रखे हुए, बिल्कुल हल्के बेसिक मसाले। हाँ,
बस आपके शॉप को कितने साल हो गए? 25 लगाते हैं। अच्छा स्टडी कर रहा हूँ तो पार्ट टाइम के लिए आ जाता हूँ। चलो जाए, चलिए धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा करेला चाट खा के। एक करेला कड़वा नहीं, मेरे लिए तो मीठा निकला। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो इसी जगह लगते हैं ये माया मंदिर के सामने, ये अपना लिमिटेड बनाते हैं, है ना? पानी दे दो सर, लो सर, अब खाई जाए पानी की टिक्की। ये आ गई हमारी पानी की टिक्की। एक टिक्की जो आलू की टिक्की होती है पूरे हिंदुस्तान में, एक ये टिक्की है जो बताशा भी बोलते हैं, पटाखा भी बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, फुचका बोलते हैं, इसे कई नाम है, लेकिन मुरैना में इसे पानी की टिक्की बोला जाता है। वाह, पानी बहुत नहीं, खटास नहीं है, अमचूर का इतने का रहता है, चाटने वाला होता है ना, वो दांत मांस खट्टे वो काम नहीं जी। बहुत बढ़िया, और एक सौंदा बन आ रहा है जो ये गर्म हो रही है मटर, वो मज़ा इस स्टफिंग में है ना, मटर की स्टफिंग में जो गर्म होती है वो आपको सिर्फ आलू की स्टफिंग में नहीं आ सकती। बिल्कुल, मुझे खुद ज़्यादा मतलब मटर पसंद आती है, या फिर मसाले वाले आलू, सादे आलू नहीं सर, एक सूखा बना देना सिर्फ मटर डाल के, सिर्फ मटर आलू में डालना, सिर्फ मटर मटर और हल्का मसाला, हाँ नींबू डालो, नींबू डालो, बार बार ये सूखा वाला है मटर के साथ, भुना जीरा, नमक और नींबू के साथ, ये ज़्यादा मज़ा आया खाने में मुझे। और मीठा वाला खिलाइए मुझे, मैं दोना दोबारा खोल लेता हूँ अपना, ये दोना दोबारा खुल गया है, ये मीठी वाली है। टेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये तो जैसे कहते हैं ना बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, ये एक बार मुंह में जाते ही अलग अलग जायके, और बढ़िया टिक्की का खस्तापन, गर्मा गर्म मटर, सौंठ की मिठास, बहुत ही उम्दा सर, धन्यवाद, मज़ा आया, बहुत बढ़िया आपने पानी की टिक्की खिलाई, है ना? कितने हो गए हमारे? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कैसे हमने इतना सारा खा लिया। थैंक यू, थैंक यू तेजस जी, इतना सम्मान देने के लिए। वो है मतलब मैं आपका डाई हार्ड फैन, 3 साल से देख रहा हूँ मैं, देखो शिवरिंग कर रहा हूँ बिल्कुल। अरे मैं सच में बिल्कुल इसको भी बताया था, मैंने उनको भी कॉल किया था, तब भी यही चीज होता है। ये वेलकम, आपने तो बिल्कुल शेक इट बेबी अंदाज में ही स्वागत किया है, शेक कर दिया मुझे, बस ये कि मैं बेबी नहीं हूँ। आपके भैया है ना, शक्ल मिलती है, छोटा भैया, नमस्ते। तो आप लोग मुरैना से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल प्रॉपर मुरैना, नहीं हम लोग रहने वाले आगरा के, हमारे बाबा आए थे दादाजी, तो हम लोग क्या बचपन से ही ये फूड लाइन में ही है, क्रॉकरी का हमारा सबसे पहले क्रॉकरी का ही था बिजनेस, तो वो दादाजी ख़त्म होने के बाद तो फिर उससे फिर अलग अलग किया, इंजीनियर हैं वैसे दोनों भाई। अच्छा हाँ, सिविल से, ये सिविल से मैं इलेक्ट्रो इंजीनियर, तो उससे और हमें घुमा भी रहे हैं एक और बडिंग इंजीनियर हैं। इसमें अचारी मोमोज है अपना, ये वाला अचारी मोमोज, ये अपना अफगानी मोमोज, ये तंदूरी मोमोज, ऐसा सारे वेजिटेरियन है, प्लेटर है मतलब। अच्छा हाँ, और साथ में ये चटनी और प्याज, चटनी और प्याज, वो दोनों रेड है।
ये अचार ही है। वाह, बहुत ही इंटेंस फ्लेवर है अचार का। ये है अपना थिक शेक। हाँ, थिक शेक, ओरिजिनल कोल्ड कॉफी शेक। हाँ, जबरदस्त। ये हरियाली चाप है। हाँ, ये हरियाली चाप। अपन पुदीना और उसकी चटनी और उससे हम लोग एक पेस्ट बनाते हैं पुदीना का। हाँ, जैसे फ्लेवर पुदीना का एक फ्लेवर आ रहा हो, वही चीज। अब चाप मुरैना भी पहुँच गया। नहीं, दिल्ली से, मतलब एक ग्वालियर में पंजाब डेयरी है, भैया जानते होंगे, तो उधर से हम लोग मंगवाते हैं। होलसेल है तो उनसे जैसे 10 किलो मंगवाया, 5 दिन में ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा ऑर्डर दिया तो वो लोग, उनकी गाड़ी आती है तो वो लोग कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया, इतना रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल एकदम थिक। थैंक यू अमन, बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का मुरैना के जायके का सफ़र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें मुरैना एक्सप्लोर कराया। जी सर, बहुत मज़ा आया सर आपके साथ, 2 दिन पता ही नहीं चले कैसे चले गए। थैंक यू, और इसी के साथ हमारा मुरैना के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।